नमस्कार, एक बार फिर टीवी की नौ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। गुरुकुल पब्लिक स्कूल सांगला में आज एसएमसी की बैठक की गई। इस बैठक में नए सदस्य चुने गए, जिसमें अध्यक्ष दोरजे सुख को प्रधान, शशिकांत को उप प्रधान और सत्यदेव को सलाहकार चुना गया। प्रधानाचार्य अंजलि नेगी ने कहा कि 1 अप्रैल से स्कूल की कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी और क्लासरूमों को सैनिटाइज किए जाएंगे और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई शुरू की जाएगी। मैं अंजलि नेगी, प्रधानाचार्य गुरुकुल पब्लिक स्कूल सांगला। आज गुरुकुल पब्लिक स्कूल सांगला में एसएमसी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से दोरजे सुख को प्रधान, शशिकांत को उप प्रधान तथा सत्यदेव को सलाहकार चुना गया। इसमें कोविड-19 के समय पढ़ाई संबंधी चर्चा हुई तथा निर्णय लिया गया कि स्कूल खुलने के पश्चात नियमित सैनिटाइज किया जाएगा तथा सामाजिक दूरी का पूरा पालन करते हुए अध्यापन करवाई जाएगी। मार्च 2021 को हमारे गुरुकुल पब्लिक स्कूल सांगला में एसएमसी का एक मीटिंग रखा गया, जिसमें मुझे प्रधान नियुक्त किया गया है। इसके बाद हमारा जो तो चर्चा हुई स्कूल के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार जो तो लॉकडाउन ना लगे और बच्चों का भविष्य बना रहे। इसके अलावा हमने अच्छा शिक्षा देने के लिए भी चर्चा किया है। हम समय समय पर एसएमसी के प्रधान होने के नाते मैं खुद स्कूल में टाइम पर आता हुआ निरीक्षण करूंगा, ताकि स्कूल में सही तरीके से एजुकेशन मिले, सैनिटाइज टाइम पर हो, बच्चों का सही तरीके से ख्याल रखा जाए। आने वाले भविष्य में मैं यही उम्मीद रखता हूं कि इस तरह कहा आपातकालीन स्थिति दोबारा ना आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।